दहाड़ेगा तो मजा आएगा यार। ये जीव निकाल रहे ये रहा भाई यहाँ पर भाई कहाँ जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आ रखा हूँ देहरादून जू में। आप लोगों को मैं देहरादून जू का यहाँ पर अंदाज़ा देता हूँ, पर उससे पहले आप लोग यहाँ पर तक कैसे पहुँच सकते हो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए भाई शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को, पहले स्टार्टिंग में चलते हैं। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, ये देख लो भाई साहब बारिश लग गई। यहाँ पर रुकना पड़ेगा भाई, यहाँ पर रुकना पड़ेगा हमको, यहाँ पर भाई बहुत तेज बारिश लग गई। The next day. तो भाई अभी मैं यहाँ पर घंटा घर के सामने पे हूँ, यहाँ से आज मैं लेकर के जाने वाला हूँ आप लोगों को देहरादून जू। भाई यहाँ पर से मैं आप लोगों को थोड़ा अंदाजा दे देता हूँ रास्ते वगैरह का। मैं कल भी यहाँ पर गया था, पर कल तो भाई बारिश आ गई थी, आप लोगों ने जैसा देखा होगा। आज फिर से निकल गए हम, तो देखते हैं भाई आज का यहाँ पर क्या सीन रहता है। वैसे मौसम तो फिर से खराब हो रहा है, घंटा घर के सामने पे हूँ, ये वाली लोकेशन यहाँ पर आप लोगों को अंदाजा लगी रही होगी। ये देख रहे होंगे आप, ये भाई यहाँ पर घंटा घर, और यहाँ से भाई मैंने अभी इस वाली साइड को यहाँ पर जाना है, यहाँ से सीधा आगे के लिए, मतलब ये राजपुर वाली रोड है जो आगे को निकल रही है। मसूरी के लिए भी भाई ये वाला यहाँ पर रास्ता जाता है। अगर आप लोग कभी भी मसूरी वगैरह जाते हो ना, यहीं से होते हुए आप लोगों को जाना पड़ेगा, मतलब मेन रूट यही है। रास्ते तो बहुत सारे कटते हैं, पर जो मेन रूट है ना वो यही वाला यहाँ पर रहता है। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर से जाते भाई ये मसूरी का रास्ता। मसूरी नहीं जाने वाले, मसूरी से पहले ये जगह यहाँ पर पड़ जाएगी जो देहरादून जू है। इसको लोग यहाँ पर मालसी डियर पार्क के नाम से भी पहले जानते थे, पर अभी रिसेंट में इसका नाम भाई यहाँ पर देहरादून जू उन्होंने कर दिया, जो कि भाई यहाँ पर देहरादून और मसूरी के बीच में पड़ता है। राजपुर रोड की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि भाई यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो इसीलिए भाई इस वाले रास्ते में आने में ना मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है। और व्यू तो भाई आप लोग आगे का देख ही रहोगे कितना प्यारा यहाँ पर व्यू है, तो इसी व्यू को भाई एंजॉय करते हुए हम यहाँ से भी आगे को जा रहे हैं। सही में यार बहुत प्यारा रास्ता है, यहीं पर भाई आप लोगों का पैसिफिक भी पड़ता है, तो पैसिफिक से भी हमको भाई यहाँ पर अभी सीधा आगे को निकलना है। अमीरों का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने आप लोगों को ये दिख रही होंगे ना बिल्डिंग है, सब भाई यहाँ पर ये करोड़पति लोग हैं। आज है यहाँ पर सैटरडे, इस चक्कर में भाई यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है। सैटरडे संडे मतलब जो वीकेंड वाला टाइम रहता है ना, उस टाइम पे तो मतलब यहाँ पर भीड़ होती है, छुट्टी रहती है ना, तो वो तो वैसे भी पहुंच जाते हैं भाई मसूरी चलते हैं घूमने। बाकी भाई आप लोग अगर मसूरी वगैरह आ रहे हो घूमने के लिए, तो इस एरिया में भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो जहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ। जो नेचर है उसको यहाँ पर अनुभव करने का मौका मिलेगा, यानी कि फील करने का मौका मिलेगा। तो भाई ये पहुंच गए हम यहाँ पर मालसी डियर पार्क के सामने पे, जिसको कि अब आप लोग देहरादून जू के नाम से यहाँ पर जानते हो। तो यहाँ पर भाई हमने जाना है, भी एक बार हाथ दे लेते हैं इधर को, यहाँ से चलना है भाई हमने अंदर की ओर, तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। चलो जी यहाँ से जाने लगा मैं अंदर, ये आप देख रहे होंगे देहरादून जू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से अंदर ही है भाई पार्किंग वगैरह का सीन। तो यहाँ से भाई हमने एंट्री वगैरह ले लिया है, तो यहाँ पर से भाई टिकट वगैरह लेना पड़ता है, और फिर यहाँ से भाई आप लोगों को बाइक वगैरह कहाँ पर पार्किंग आगे पे तो किधर को लगानी होती है, यहाँ से, यहाँ से आगे। चलो जी, और इधर पे ये गाड़ी वगैरह की पार्किंग का सीन है, अंदर को लगाते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर किस टाइप से रहता है सीन। चलो भाई फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर अपनी बाइक वगैरह मैंने पार्क कर दी है, और अब हम जाने लगे हैं भाई यहाँ से, किधर को जाना है हमने, इस साइड को किधर, इधर। अब लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर जू के अंदर। पहले हम यहाँ पर ना टिकट वगैरह ले लेते हैं, जो यहाँ पर पार्किंग का चार्ज हमको पड़ा वो 10 रुपए टू व्हीलर की पार्किंग है। इधर साइड में अभी यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क करके आया, और अब यहाँ से भाई हमने अंदर को जाना है, ये जो आप मेरे पीछे पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पर से भाई ये टिकट काउंटर आप मेरे पीछे चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ से भाई टिकट वगैरह लेकर के, और फिर हमने यहाँ पर से भाई अभी अंदर के लिए एंट्री वगैरह लेनी है। लेते हैं भाई यहाँ पर से टिकट वगैरह, यहाँ पर से जो एंट्री टिकट है वो है 30 रुपीज, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर से एक्वेरियम वगैरह देखने को भी जाना है उसका 50 रुपीज यहाँ पर अलग से पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर मतलब आप लगा सकते हो 80 रुपीज़ यहाँ पर हो जा रहा है, तो है ना 80 हो रहा है ना, 90, 50, 60, 70, 80 तो हो रहा है, वो तो वो है। अच्छा 10 रुपये तो उसका है यार, वो कैक्टस वाला कुछ है, वो कैक्टस गार्डन वाला कुछ, इन दो एक्वेरियम में और ये एंट्री वाला, बस दो। अब निकलने लगे यहाँ से अंदर की ओर, टिकट वगैरह हमने ले लिया है। तो यहाँ पर भाई हम बस जो एक कैक्टस वाला यहाँ पर रहता है ना उसमें नहीं जाने वाला, क्योंकि वो कुछ खास यहाँ पर है भी नहीं। अब करने लगे हम यहाँ से एंट्री, तो चलते हैं भाई अंदर। तो चलिए भाई यहाँ पर देते हैं टिकट और फिर लेते हैं यहाँ पर से एंट्री वगैरह। बात ना हो, मैं तो मानूंगी।
अपनी ना पानी की बोतल वगैरह नहीं लेकर के आ सकते, या फिर उसका यहाँ पर भाई 10 रुपये आप लोगों को दे करके रखना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पर से वापस बाहर को जाओगे उस समय आप यहाँ पर अपनी बोतल दिखा करके और फिर अपने 10 रुपये वापस ले सकते हो। फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर से हम अंदर को आ गए, यहाँ से आए भाई हम अभी अंदर की ओर। बोतल के लिए क्या बोला? 10 रुपये वापस ले लेने बोला। बाद में ये चिट लगा रही है ना उन्होंने, कुछ दिखाइए चिट है ये तो जब उनको, तो चिट वगैरह निकाल करके और हमारे पैसे वापस यहाँ पर कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फन पार्क मेरे को देखने को मिल रहा है, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फन पार्क। पहले यहीं चलें आगे चलें? पहले जानवर देखिए। पहले जानवर देखने? अरे भाई अपने मिलेगा तू, आज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है ये। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ फन पार्क में भी लेकर के चलूंगा। पहले हम यहाँ अंदर चलते हैं और अंदर से मेन मेन चीजें यहाँ पर कवर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रॉपर यहाँ पर भाई कटिंग वगैरह चल रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन करके रखी हुई है और बढ़िया है यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर से भाई अलग अलग रास्ते कट रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे ज्यादातर लोकेशन सारी इधर ही को है, मतलब इधर ही है बस। तो यहाँ से जा रहे हैं भाई हमें भी अंदर की ओर, और यहाँ पर से मैं अभी आया तो मतलब एंट्री आप लोगों की यहाँ पर से रहती है, और इस साइड को मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ। देहरादून जू के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। पहले इसको भाई यहाँ पर मालसी डियर पार्क के नाम से लोग जानते थे, पर इसका नाम यहाँ पर अब फिलहाल के लिए चेंज हो गया है। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है ना कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। आप पीछे पे यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा। साथ में यहाँ पर ये डस्टबिन वगैरह भी लगा रखे हैं। बर्ड्स वगैरह वाले एरिया में हम यहाँ पर पहुंच गए, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है भाई, पता है इनके बारे में? यही हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ आ रही है हमारे साथ आज। ये रहा पहले सारे कवर करते हुए चलते हैं ना। हाँ ये रहे भाई यहाँ पर, ये आप लोग चेक कर रहे होंगे। पहले मैं फटाफट इस वाले एरिया को यहाँ पर कवर करता हूँ आप लोगों के लिए। है? ये तो रहा, ये देख यहाँ पर गड्ढा कर रहा हूँ। अरे जंगली मुर्गा, ये जंगली मुर्गा। अबे हमको नहीं दिखते जंगली मुर्गे, भूल गया तू? वही तो है प्लम हेडेड, जैसे प्लम के कलर का सिर है ना। हमको तो दिख रहे हैं पर कैमरे में नहीं आ रही वो चीजें। बहुत शोर मचा रहे हैं, चलो भाई चल दो यहाँ से। यहाँ से मैंने आप लोगों को अभी बर्ड वगैरह पूरी चेक कराई, अब हम भाई इस वाली साइड को यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से आगे की ओर। काफी अच्छा बना रखा है यहाँ पर ये सारी चीजें, ये आप लोग देख रहे होंगे। मतलब नॉर्मल जो तोते मेरे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा ही साइज मेरे को ये लग रहा है ना। तो इनके बारे में जानकारी ये सारी है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो भाई इस बीच अगर आप लोगों को टॉयलेट वगैरह लगती है तो आप लोग इस वाली साइड को यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है, ये देख रहे होंगे आप। इस वाली साइड को आप लोगों को जाना पड़ेगा। लव बर्ड अब हो गया पूरा कैप्चर। इसके बारे में भाई जानकारी ये रही, तो भाई थोड़े लोग आ रहे हैं उनका एंटरटेनमेंट करें, सब सो रहे हैं ये तो भाई यहाँ पर। इस रास्ते से जाएंगे अब हम आगे की ओर। अभी तक तो भाई हमको यहाँ पर पूरी बर्ड ही देखने को मिली है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर ना लेपर्ड वगैरह तो हो सकता है। वो भयंकर ये क्या है वो देख, अबे मोर नहीं है वो मोर है ऊपर। यहाँ पर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो देखो भाई वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। भाई साहब कितने बड़े हैं यार ये क्या बैठा रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये आप लोग चेक कर पा रहे होंगे भाई साहब। तो यहाँ पर से भाई आप लोगों को पीने का पानी वगैरह भी मिल जाएगा। ये रहा भाई यहाँ पर पीने का पानी, तो यहाँ पर से आप पी सकते हैं पानी वगैरह का। अभी लोगों ने अपने नाम लिख दिए हुए यहाँ पे, इनमें चेक करो भाई, ये देख रहा सुरेश ने लिखा है यहाँ पे गाइस। इसने ऐसे बैठने के लिए भी बना रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ भी सकते हो। तो ये था भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेज वगैरह, इसके बारे में यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ये चेक कर लो रहा, एक ये रहा भाई, ये एक ये थोड़ा, ये ऑस्ट्रेज नहीं है पर ये कुछ और है यार, ये देख लो ये उसका भाई उसका भाई। चल भाई क्रोकोडाइल देखते हैं यहाँ पर है। पानी के अंदर भाई यहाँ पर मगरमच्छ भी हैं जिनके आंसू तो निकालते हैं ना कभी कभी, हुआ है यहाँ पर। अच्छा तेरे को चेक कराता हूँ, स्नेक देखने चले, अच्छा यहाँ चलते हैं, सांप वगैरह देख करके आते हैं। आ जाओ पहले हम रॉक पाइथन चलो इसी को देख लेते हैं। कहाँ पर ये जहरीला नहीं होता? सबके सब तो भयंकर पीछे जा रखे हैं, पर कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर देखने का। मुझे दिख ही नहीं रहा वो कितना मोटा कुछ खाया उसने आज, कितना चीज खाई भाई। जो ये सांप होता है ना, ये खतरे की आशंका में अपने सर को ऊपर कर देता, ऐसे कोबरा की तरह कर देता। ये तो दो तीन है भाई यहाँ पर तेरा दोस्त, ये देख इंडियन कोबरा, ये तेरा, ये मेरे पाँव में यहाँ पर टैच हुई, मैंने सोचा ये बाहर आ गया यहाँ पर से। ओहे ये मस्त है, इसका वीडियो लेता हूँ मैं, देख ये रहा भाई यहाँ। क्या बोल रहे तू?
स्विच चुबा दो गाइस, इसमें लीक हो जाएगा। स्विच चुबा दो, इसमें लीक हो जाएगा। वो थोड़ी हो गई, दोबारा थोड़ी हो बोलिंग भाई। सैंड बवा हां, ये इसकी खासियत क्या है ये तो पता है? इसकी खासियत ये है गाइस कि ये जो बोआ स्पीशीज में सबसे छोटा है, और जो ये है ना, ये वाला बोआ, ये एक साल तक बिना खाए जिंदा रह सकता है अगर खाने की कमी है। और इस टाइप से रहता है ये, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो जंगल में पता ही नहीं चलेगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, भयंकर जी। पर इसका कलर तो यहाँ पर कुछ और ही दे रखा है। तेरे फोन में दिख रहा? हाँ हल्का सा दिख रहा, दिख रहा होगा गाइस आपको। ये रहा, दिख रहा है? कहाँ जा रहा है? स्नेक वगैरह पूरे चेक कर लिए, अब हम जाते हैं यहाँ पर। अब किस में जाएं? पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ से और आगे लेकर के चलता हूँ, उसके बाद भाई यहाँ से आप लोगों को यहाँ लेकर के चलूंगा। यहाँ सारी फिशेज वगैरह हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर है, यहाँ पर भी वो भी मैं आप लोगों का भी यहाँ पर चेक करा दूंगा। पहले भाई आगे तक का एरिया पूरे यहाँ पर कवर करके आते हैं, यहाँ से अभी हम आगे जाने लगे हैं। चलो भाई, यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं उल्लू, ये आप लोग देख रहे होंगे, और एक वेराइटी ये है यहाँ पर। अबे भयंकर की कितने बड़े हैं साइज के, ये चेक कर लो भाई, बहुत दूर है यार। ज़ूम करके ले लो फोटो वीडियो, दहाड़ेगा तो मजा आएगा। ये जीव निकाल रहे फिलहाल के लिए। हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर कर ही ली हैं। अभी यहाँ तो चल, उधर तो हम जाने भूल गए, फिश वगैरह देखने वहाँ भी तो जाना, उसका टिकट ले रखा। ये लेपर्ड देखने का ना बिल्कुल भी हिसाब नहीं बन रहा, क्योंकि दो दो यहाँ पर जालियां लगा रखी हैं, और अंदर मतलब कैमरे में तो कुछ कैप्चर हो ही नहीं रहा। चलो नेकेड आई से तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है, पर कैप्चर में कर पाया उतना मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाने का ट्राई करा। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपीरियंस करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर खुद से आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर जाकर के इन चीजों को देख पाओगे। आप लोग यहाँ पर आते हो ना, तो 80 रुपीज तक का यहाँ पर आप लोग टिकट वगैरह ले लेना, तो उसमें आप लोग यहाँ पर फिश वगैरह भी चेक कर पाओगे। फिश वगैरह का यहाँ पर 50 रुपीज एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं भाई यहाँ से अंदर, और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर से। देहरादून जू की मैंने आप लोगों को ज्यादातर लोकेशन यहाँ पर चेक करा दी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफी सारे एनिमल भी चेक कराए, बर्ड चेक कराई, और जितने यहाँ पर एक्वेरियम में जितने भी यहाँ पर फिशेज वगैरह थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक कराई। काफी बढ़िया, यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये मसूरी और देहरादून के बीच में पड़ती है लोकेशन, तो मतलब आप अगर यहाँ पर मालसी डियर पार्क भी सर्च मारते हो तो यही वाली लोकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर देहरादून जू करके भी सर्च मारते हो तो सेम यही लोकेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाली है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पर काफी अच्छा रहा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पर टिकट वगैरह की प्राइस है वो 30 रुपीज है एंट्री की, और अगर आप लोग यहाँ पर एक्वेरियम वगैरह देखने के लिए भी जाते हो तो उसके लिए आप लोगों को 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक कैक्टस वाला वर्ल्ड भी है, उसके लिए आप लोगों को 10 रुपीज फिर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी कि 90 रुपीज में आप इस पूरे एरिया को यहाँ पर कवर कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर आना और जरूर से इन सारी लोकेशन को यहाँ पर कवर करना। मैंने यहाँ पर भाई कैक्टस वाला यहाँ पर कवर नहीं करा, क्योंकि ना वहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ खास था नहीं। बाकी फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को लोकेशन वगैरह का भी अंदाजा दे ही दिया है। एजुकेशन पर्पज के तौर पर यहाँ पर आते हो, या फिर फैमिली के साथ घूमने के पर्पज से आते हो, टूरिस्ट बन करके आप यहाँ पर आते हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी बढ़िया रहने वाले। तो आप लोग भी यहाँ पर आते हो तो आप लोग भी यहाँ पर भाई काफी एंजॉय करने वाले हो। बाकी भी आसपास की लोकेशन आप मेरे देख ही रहे होंगे। यहाँ पर भाई बैठ करके हमने फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा ली,
और ये यहाँ पर तू क्या कर रहा है भाई? चिपकू आंदोलन ये पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर। अब वैसे भी यहाँ पर भाई अभी अनाउंसमेंट हो गई कि अब यहाँ पर भाई 5 बजे बंद हो जाता है, जो लास्ट यहाँ पर टाइम रहता है 5 बजे तक का रहता है। प्लास्टिक की बोतलों को ना यहाँ पर काट करके ये सारा बना रखा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे पे, प्लास्टिक की बोतल से बना रखा है। काफी बढ़िया लग रहा है भाई ये यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ये पेड़ है तो इसके जस्ट नीचे पे सारे लगा रखे हैं, इनमें पेंट वगैरह कर रखी है। प्लास्टिक की बोतल जो होती है ना उनको काट करके और उनमें पेंट वगैरह करके फिर ये डिजाइन दे रखा है। तो भाई अब आप लोगों को यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ यहाँ पर फन पार्क। तो ये भाई यहाँ पर से फन पार्क वगैरह ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए बना रखा है, यहाँ पर उनके लिए झूले वगैरह लगा रखे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए की सबके लिए हाँ, तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए है यार, जो कार्टून कैरेक्टर है उनसे मिलाता हूँ। तेरी यहाँ पर अभी परीक्षा है ठीक है, तूने बचपन में कार्टून वगैरह देखे या नहीं? कौन कौन है इनके नाम बता मुझे। देखिए ये हमारा जग्गू, जग्गू जग्गू बंदर मस्त कलंदर, ठीक है जग्गू बंदर मस्त कलंदर। ये राजू, राजू बड़ा ही नटखट, जान लेता है फटफट। राजू बड़ा ही नटखट, जान लेता है फटफट, जान लेता है फटफट। माइटी राजू इसके ऊपर फिर एक कार्टून बनाने लग से। अच्छा। हमारा सबको पता ही है छोटा भीम लड्डू खा के शक्ति आती है इसके पास। अच्छा। अरे हमारी चुटकी, हाँ चुटकी चुटकी, अरे इसके आगे मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर बच्चों के भाई एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें लगा रखी हैं। ये भी सारे बच्चों की एक्टिविटी है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ बच्चे आ रहे हैं ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग आराम से बैठ सकते हो जब तक आप लोगों के बच्चे यहाँ झूले वगैरह में खेल रहे हैं। सही है यहाँ पर बच्चों के लिए, तो वैसे मतलब बच्चे है ना आप लोगों के साथ, तो आना इस जगह पे सही रहेगा आप लोगों के लिए, उनका भी टाइम पास, आप लोगों का भी यहाँ पर टाइम पास हो जाएगा बढ़िया से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। युग बारा की चलती है गाड़ी, बॉडी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूँ मैं सारी।